राजधानी में ड्राइवर यूनियन हड़ताल के दूसरे दिन हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। परिवहन विभाग की सख्ती के बाद रोडवेज बसें शुरू कर दी गई। वहीं ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर रहे। बता दें कि केंद्र सरकार के जारी किए गए मोटर व्हीकल एक्ट नियम का विरोध लगातार ड्राइवर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ड्राइवरों ने सरकार से कानून वापस लेने की मांग की है। वहीं परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि ड्राइवरों से मुलाकात की गई है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है। साथ ही कहा कि कोई किसी के साथ जबरदस्ती या मारपीट करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, ये सब चीजें तो कानून की एम्बिट में आता है, कानून के दायरे में आता है। कानून में इन्हीं सब चीजों का प्रावधान है, उसके बारे में मैं कुछ कानून के बारे में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मेरा है कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध करना आपका हक है, लेकिन नियमानुसार और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करेंगे। अगर कोई गाड़ी चलाना चाह रहा है तो कोई उसको रोकेगा नहीं। आपको काम नहीं करना है, ठीक है, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो आप बीच में नहीं आएंगे। हम तो कहेंगे, देखिए जी, हमारा जो अभी ड्राइवरों का इंडस्ट्रीज है, कम से कम पूरे भारत में मेरे हिसाब से 25-30% की कमी है। वो इसी कारण से ड्राइवरी नहीं करना चाहते हैं। पुलिस का उत्पीड़न, आरटीओ का उत्पीड़न, इस चक्कर से आ नहीं रहे हमारे इसमें।